नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। दिल्ली में नमाजियों को लात मारने से पहले क्या हुआ था, वहां नए वीडियो से नया मोड़। इंद्रलोक में नमाजियों को लात मारते हुए पुलिसकर्मी का वीडियो सामने आने पर शुक्रवार को दिल्ली में जमकर बवाल हुआ। इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन के पास हुई घटना के बाद इलाके में करीब 4 घंटे तक बवाल होता रहा, तो अभी तनाव बरकरार है। हालांकि अब इस मामले में एक नया वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि पहले पुलिसकर्मी ने लोगों से सड़क से हट जाने को कहा था। उसने हाथ से धक्का देकर भी हटाने की कोशिश की, लेकिन उस पर हमला कर दिया गया। इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन के पास शुक्रवार को बड़ी मस्जिद में लोग नमाज पढ़ने आए थे। इस दौरान कुछ लोग सड़क पर ही नमाज पढ़ने लगे, जिससे इलाके में यातायात व्यवस्था बाधित हो गई। इसकी शिकायत मिलने पर इंद्रलोक चौकी इंचार्ज SI मनोज कुमार पुलिस टीम के साथ वहां पहुंचे और लोगों को सड़क खाली करने के लिए कहा। लोगों ने बातों का अनसुना कर दिया। इससे नाराज SI ने कुछ लोगों को पीछे से लात मार दी। इसके बाद लोगों ने घटना को लेकर बवाल कर दिया और सभी इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन के पास चौराहे पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शन के कारण जाम लगने से जखीरा पुल से नजफगढ़ रोड, शास्त्री नगर और केशवपुरम जाने वाले लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। जाम में फंसी एम्बुलेंस को निकलवाने पहुंचे थे पुलिसकर्मी। बदसलूकी मामले में एक और वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें देखा जा सकता है कि पुलिसकर्मी जिस जगह जाम खुलवाने की कोशिश कर रहा है, वहां पर एम्बुलेंस सहित कुछ अन्य वाहन फंसे हुए हैं। पहले वह लोगों को वहां से हटने की अपील करता है, बाद में उन्हें खुद ही हटाने लगता है। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो जाती है और बात हाथापाई तक पहुँचती है। वीडियो में पुलिसकर्मी की पीठ पर हेलमेट से किसी को वार करते हुए देखा जा सकता है। दूसरी तरफ पुलिसकर्मी की तरफ से लोगों को सड़क से हटाने के लिए धक्का देते हुए देखा जा सकता है। इस बीच हालत इस कदर बिगड़ गई कि पुलिसकर्मी ने लोगों को लात मार दी। इसके बाद से मामला बेकाबू हो गया। लोग एकत्र होकर हंगामा करने लगे। उपद्रवियों ने पथराव किया था। बड़ी संख्या में लोगों ने इंद्रलोक चौकी को घेर लिया और पुलिसकर्मी पर बड़ी कार्यवाही की मांग करने लगे थे। DCP मनोज कुमार मीणा ने चौकी में प्रतिनिधि मंडल से बात की, लेकिन आक्रोशित भीड़ शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। इस बीच भीड़ में शामिल कुछ उपद्रवियों ने सार्वजनिक वाहनों पर पथराव भी किया था। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, AP कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास। शिफ्टिंग की टेंशन? अब नो टेंशन। शिफ्ट गो पैकर्स एंड मूवर्स है ना, जो आपके घर के पूरे सामान के साथ आपकी बाइक व कार को सुरक्षित एवं जिम्मेदारी के साथ आपके घर तक पहुंचाता है। तो आप देख इस बात की आज ही संपर्क करें 8821000717।